नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुंजन हिंदी पाठमाला द्वितीय कक्षा की तीसरी पाठ खिलौनों की सभा। सांवरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। सांवरी घर के अंदर आकर, माँ बहुत भूख लगी है। माँ कहती है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। सांवरी कहती है, अरे वाह, राजमा चावल मेरा मनपसंद खाना है। मनु और सांवरी खाना खाकर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। थोड़ी देर बाद खिलौनों पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकने लगते हैं। तब गुड़िया ने कहा, अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। अरे ये क्या, ये दोनों गृह कार्य पूरा करके कंप्यूटर के साथ लगे। दोनों बच्चे रात का खाना खाकर टीवी देखकर सो जाते हैं। यह देखकर सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। पिटारी में बैठे हुए सारे खिलौने उदास होकर आपस में बातें करते हैं। फुटबॉल कहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। लूडो कहता है, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई है। बैट कहता है, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगते। पजिल कहता है, पजिल का भी यही हाल था। वह कहता है कि एक दिन हमें भूल ही जाएंगे और रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। सावरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने नहीं जाते हैं। अगर हमारे साथ खुली हवा में भाग दौड़ करेंगे तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। किताब हमारे ऊपर तो धूल ही जम गई है। लूडो और पजिल कहता है, अगर वे लोग घर में बैठकर हमारे साथ खेलेंगे तो उनका दिमाग की कसरत भी हो जाएगी होगी। इतने में टेडी बेयर कहता है, उदास मत हो मेरे साथियों, चलो दादी माँ के पास जाकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएगी। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों की आवाज से सांवरी मनु जाग जाते हैं। ये सब सुनकर सांवरी कहती है, प्यारे दोस्तों, अब से हम आपके साथ खेलेंगे, आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए और खाने के बाद किताबें पढ़ूंगी। और मनु भी अपने मित्रों के साथ कुछ देर फुटबॉल खेलता है, फिर बैठकर पजल बनाने लगता है। ये सब देखकर कंप्यूटर मुस्कुराता है। सारे खिलौने खुश हो जाते हैं। जीवन मूल्य। हमें इस पाठ से विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में पता चलता है। मिलजुल कर खेलना चाहिए, अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखना सीखेंगे, बड़ों की आज्ञा मानना, खेल द्वारा हमें चुस्त और फुर्तीले बने रखेंगे। हमें हर प्रकार के खेल खेलना चाहिए, घर के अंदर या बाहर खेले जाने वाले। धन्यवाद।